गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने ये एपी के और क्वेश्चंस किए? मयंक, मयंक गर्ग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए कुछ और एपी के? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एपी के ना क्वेश्चंस करके इसको चैप्टर को साइड कर लीजिए, ठीक है? आपका एक होकर साइड हो जाएगा। आसान चैप्टर है, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, ठीक है? काफी सारे तो हमने क्लास में भी किए, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी, इन दोनों से तो करिए ही करिए, बस उतना काफी होगा इसमें, ठीक है? तो चलिए, हमने एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ये सीबीएसई में 2013 में क्वेश्चन आया था। ये वन ऑफ द आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आया था ऑन एपी, और शायद कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आई होगी इसको करने। तो बताइए कैसे होगा, कुछ आइडिया है? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप? द सम ऑफ फर्स्ट सर, आई थिंक इसमें सर टू इक्वेशंस बन जाएंगी। ओके, एस एम इक्वल्स टू 4 एम स्क्वायर माइनस एम, और एस एन इक्वल्स टू 107। ओके ओके, तो देखिए अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या बनाया कि एस एन इज इक्वल टू 107 इज इक्वल टू 4 एम स्क्वायर माइनस एन, राइट? क्योंकि एम टर्म्स के लिए वो होता है, तो एन के लिए भी वही होगा। एम और एन में कोई खास बात नहीं है, ठीक है? Yes, sir. तो अब हमारी दोनों जो इक्वेशंस बन भी गई, उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि वेरिएबल्स तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी, सर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे ना, 4m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू 107। हाँ, तो उससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे सर? m की। देखिए सम ऑफ, देखिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। ये है एस एम, ठीक है, और ये है nth टर्म टी एन, राइट? तो इन दोनों को हम एक्चुअली तो इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि ये टी एन है, ये एस एम है। Yes, हाँ, आप ये बोल सकते हो कि एस एन इज इक्वल टू 4 एन स्क्वायर माइनस एन, वो तो ठीक है, चलो। लेकिन टी एन और एस एन में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता। Yes, sir. Sir, n by 2, a plus b n होता है। हाँ, sir, एक find कर लेंगे ना पहले हम। n by 2, 2a plus n minus 1d,
ये होता है, और टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टी, ठीक है। तो अगर हम केवल इन दोनों को इक्वेट किसी तरह करना चाहें तो कर नहीं पाएंगे, हम इस चीज को लिख सकते हैं 107, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई, और हमें जो है एस एन बी जो है मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको 4n स्क्वायर माइनस n लिख सकते हैं, दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई n बाय 2 टू ए प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, ओके। और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, राइट। अरे 4n स्क्वायर माइनस n होगा, n स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस, यस सर, n स्क्वायर के आगे 4। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसमें हम n कॉमन लेके कैंसिल भी कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास 4n माइनस 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ बचेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास दो इक्वेशन और वेरिएबल्स कितने हैं, a n d a d मामलों में तीन वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है ना, और इक्वेशन है दो, तो सॉल्व नहीं होगा ना। यस सर, समझ गए। तो इसलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के मेरे हिसाब से जो स्टैंडर्ड बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे था ये क्वेश्चन, ओके। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या TN और मतलब क्या SN और TN में कोई रिलेशन होता है। देखिए एक रिलेशन होता है कि SN माइनस SN माइनस 1 इज इक्वल टू TN, ठीक है। ये हम अलग से पढ़ते नहीं है रिलेशन की तरह से, ठीक है, ये कोई हम ऐसा नहीं है कि हम इसको याद करते हैं, लेकिन ये रिलेशन तो होता है, राइट। हम n टर्म्स के सम में से n माइनस, सॉरी सर, इस टाइप से भी तो रिलेशन बन सकता है, sn इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस tn, हाँ वो बन सकता है, बट उसमें 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे ना। हाँ उसमें फिर भी a रहता है ना। अब देखिए ये एक रिलेशन हमें पता है, अगर मैं n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम निकाल दूं तो हमारे पास लास्ट टर्म ही बचेगी ना खाली, इज इट नॉट, या फिर इस तरह देखिए इसको, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स, इट इज द सम ऑफ n माइनस टर्म्स प्लस द nth टर्म, ऐसे तो क्लियर समझ आता है ना, राइट, ये तो क्लियर है, एग्रीड। किसी को ये समझ नहीं आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो एस एन क्या हुआ, 4n स्क्वायर माइनस n, और n माइनस 1 क्या हुआ, माइनस n माइनस 4 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1, राइट, n माइनस 1 को n की जगह रखा, राइट। और tn हमें पता है क्या है, t
pn क्या है 107. अब देखिए अब ये इक्वेशन जो है ये केवल और केवल n में है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो ये डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है, राइट? तो चलिए सॉल्व करते हैं. ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगी लेकिन बनेगी नहीं, राइट? बिकॉज ये 4n स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4n स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो चलिए लिखते हैं 4n स्क्वायर माइनस n माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं 4n स्क्वायर, फिर कौन सी टर्म आएगी, माइनस 2n आएगा तो माइनस 8n, और फिर प्लस 1 आएगा तो प्लस 4. मैंने एक स्टेप कन्वर्ज कर लिया यहाँ पे, माइनस एन प्लस वन, ये ब्रैकेट ये आता है. अब इसको सॉल्व करिए, 4n स्क्वायर माइनस एन माइनस 4n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 4 प्लस एन माइनस 1. ओके, तो अब देखिए ये तो गए, ठीक है, ये गया. ओके, माइनस तो इंप्लाइज 8n इज इक्वल टू 107 प्लस 5. n is equal to 1. Which is 14. So n is equal to 14 is our answer. समझ आया ये? No sir, एक question पूछना था. हाँ बोलिए. सर जो आपने एस एन माइनस वन की वैल्यू कैसे पुट करी? हाँ ओके, देखिए एस एन माइनस वन की वैल्यू कैसे पुट की, कि एस एन क्या है. ओके, एस एन है 4n स्क्वायर माइनस n, ये तो क्लियर है. यस सर. अब एस एन माइनस वन क्या होगा, n की जगह n माइनस वन लिखना है, तो लिख लीजिए 4n माइनस 1 n की जगह, और यहाँ n की जगह वापस से n माइनस 1. आया समझ में आप? यस सर. हाँ, तो देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर आप नॉर्मली देखते हैं ना, तो बोर्ड में इतने ट्रिकी क्वेश्चन एपी में नहीं आते हैं. ट्रिकी क्वेश्चन ज्योमेट्री में तो आते ही हैं, ठीक है ना, मतलब टेंथ की जो सबसे टफ सब्जेक्ट है मैथ्स के अंदर वो ज्योमेट्री है. कभी कभी मेंसुरेशन वगैरह में भी टफ दे देते हैं, बट बाकी टॉपिक्स यूजली इजी होते हैं. क्वाड्रेटिक में कई बार ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एपी में नहीं होता. ये आसान नहीं है क्वेश्चन, राइट? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपसे ये खुद नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन ये समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है. तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, ये कोई आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है ना सर? लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा ना हो कि छोटा क्वेश्चन है ये. बोलिए प्रियांशी और प्रशांत, कौन बोल रहा था अभी? प्रशांत बोल रहा है. तो हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने, आपकी पूरी आवाज कट गई. बेटा मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला है, आपकी आवाज कट के आई है. चलिए जब बोलेंगे तो सुनते हैं. अब ये लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके,
ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. अच्छा एक चीज देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था ना इससे पहले वाला, उसका एक पार्ट और था, फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस एपी. वो हमने किया नहीं. हाँ, 163 वो देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन वो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है एक बार आपका अगर हो जाता है, राइट? है ना, क्योंकि आपको आप इन एक बार आपको n आ गया तो आप फिर tn से सब वैल्यूज निकाल सकते हैं, sn भी है आपके पास, तो वो इसलिए मैंने छोड़ दिया. मेरा मेन पर्पस था ये वाला पार्ट पता, ठीक है. In a school, students decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be double of the class in which they are studying. If there are 1 to 12 classes in the school and each class has two sections, find how many trees were planted by students. ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है. एंड नोटिस द लास्ट लाइन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच वैल्यू इज शोन इन द क्वेश्चन. तो पहले हम ये कर लेते हैं फिर मैथ्स का पार्ट करेंगे. इसका क्या मतलब होता है, व्हिच वैल्यू इज शोन इन द क्वेश्चन? सर मतलब इस क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंस बताई गई है? हाँ, क्या आंसर बताइए, क्या है आंसर? उसके लिए हमें प्लांटेड ट्रीज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. वेरी गुड. सो देखिए, उस आंसर का मैथ से कोई संबंध नहीं है, ठीक है. तो वंस इन अ व्हाइल सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चंस दे देता है जिसमें वो वैल्यू सिस्टम क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट? तो उसका जो भी आधा एक मार्क होता है वो मिस मत करिए, वो लिख आइए, ठीक है. उसके उसमें कोई पूरा एस्से नहीं लिखना है, उसमें बस अगर आपने वो आंसर कर दिया बहुत है, ठीक है. तो आप ये कह देंगे कि वैल्यू शोन इन दिस इज दैट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, दैट्स इट, ओके. तो वो मिस मत करिए पॉइंट ये, ठीक है. अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, by applying SN formula. By applying the SN formula, right? तो सबसे पहले हम अपनी AP बनाएंगे, right? सबसे पहले हमने AP. So that is in simple ways, right? 1, 2, 3, 4, 5. देखिए. 12 तक हो जाएगी. हमें ऐसे करना है कि class one लिख लेते हैं कि क्या करेगी. तो class one कितने trees लगाएगी? रूल क्या है ना, वो अभी रुकिए ना, वो कितने लगाएंगे, वो ये लगाएंगे जो जिस क्लास में से डबल. हाँ, लेकिन लेकिन उस क्लास के दो सेक्शन भी हैं. देखिए, एक आर वन ट्वेल्व क्लासेस एंड ईच क्लास हैज टू सेक्शंस, और एक क्लास अपने क्लास का जो नंबर है उससे डबल लगाएगी. तो हर एक के नंबर क्लास को 4 से इनटू कर देंगे. हाँ, तो दो सेक्शन हैं, ठीक है. क्लास का नंबर 1 है और वो उसकी डबल लगाएंगे, राइट? तो 4 लगाएंगे. इसी तरह एक बार क्लास 2 का भी लिख लेते हैं. तो दो सेक्शन हैं, क्लास का नंबर 2 है और वो उसका डबल लगाएंगे. तो एक बार क्लास 3 लिख ली, ठीक है. दो सेक्शन है
और क्लास का नंबर 12। देखिए दो से तीन कम जरूर लिखिए आप, ठीक है। जब आप तीन लिखे तो आपको कॉमन डिफरेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं उसका आइडिया मिलता है, ठीक है। यहाँ कॉमन फोर है, यहाँ पे भी फोर है, राइट। सो इट इज एन एपी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। हमने मैथमेटिकली पूरा चेक नहीं किया है लेकिन हमें आइडिया मिल गया ये एपी है, ठीक है ना। हमें प्रूव तो करना नहीं है कि एपी है, हमें खुद को कन्विंस करना है कि ये एपी है। और हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया ए, सो ए इज इक्वल टू फोर मिल गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू फोर मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स भी मिल गया क्योंकि 1 टू 12 क्लासेस हैं, तो एन इज इक्वल लास्ट टर्म 48 हो जाएगा। हाँ हाँ लास्ट टर्म 48 हो जाएगा, आपको वो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है 12, ठीक है। अब ये आ गया, ए पता है, डी पता है, एम पता है, तो अब उसके आगे एस एन निकालना तो केवल बच्चों का काम, राइट। तो वो अभी हमको करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर करिए। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 312 आ जाएंगे। अच्छा, आपने कर लिया कैलकुलेट, वेरी गुड। ओके, सो इस तरह से हो गया ये हमारा क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ हमने क्या देखा, देखिए ये सब क्वेश्चंस कराने का मेरा ऑब्जेक्टिव एक तो ये है कि सब साथ में थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, दूसरा ये है कि कुछ चीजों का हमें सब्जेक्ट भी सीखना है और कुछ चीजों का ध्यान कैसे रखना है एग्जाम में, ताकि हमें सब्जेक्ट आते हुए गलती ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को कराने का मेरा दो उद्देश्य थे, एक ये कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है विच वैल्यू सिस्टम इट एड्रेसेस, ओके। दूसरा क्या आ जाता है कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एपी के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और क्या चाहिए। लेकिन लैंग्वेज देखिए कितनी लंबी है, पूरा एस्से लिख दिया उसने, और उसी लैंग्वेज के चलते आप देखिए कि कितने आप में से लोग इस सिंपल क्वेश्चन में गलती करने वाले थे, क्योंकि सबने ये बोला कि पहले क्लास दो ही लगाएंगे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है कि आपने ये वाला पार्ट मिस कर दिया। ऑलमोस्ट सबने मिस किया ना ये वाला पार्ट, राइट yeah. तो अब आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन और आपने उसमें ये मिस कर दिया। अब कोई मुझे बता सकता है कि इस तरह की गलतियां ताकि आपके एग्जाम में न हो आप क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? प्रैक्टिस। देखिए आप ना जब इस तरह का क्वेश्चन देखें कि लंबा सा क्वेश्चन आ गया सामने, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि डेटा मिस हो सकता है क्योंकि पूरी कहानी लिख दी है लिखने वाले, ठीक है, उसमें डेटा मिस। तो हम एक एक पॉइंट करके पढ़े ध्यान से, एक एक पॉइंट करके सॉल्व करें, पढ़े, और आप पेंसिल से ना अंडरलाइन कर दीजिए क्वेश्चन में जहां पे डेटा है, लैंग्वेज को कोई अंडरलाइन मत करिए, डेटा को अंडरलाइन करिए, राइट। तो जैसे ये हो गया, अब ये वाला पार्ट है अंडरलाइन करने का, ये इंफॉर्मेशन डबल ऑफ द क्लास, हमें बस यही इंफॉर्मेशन चाहिए, ये एन की इंफॉर्मेशन है, ये है, ये फर्स्ट टर्म की है, ये लास्ट टर्म की है, और ईच क्लासेस टू सेक्शंस विल आल्सो हेल्प अस फाइंड द कॉमन, तो इनको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि मिस ना हो, ठीक है। सिस्टमेटिकली करेंगे तो छूटने के चांसेस कम होंगे, गॉट इट? Yes, sir. Okay, wonderful. तो फिर आप अपना जो है ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैप्टर की, और इसको ये मान लीजिए कि हम इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं प्रैक्टिस करने के बाद, अभी मत मानिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ट्रायंगल्स चैप्टर करते हैं आज शुरू, ठीक है। ओके, तो
कितना समय बचा है हमारे पास? 10 मिनट्स। हाँ तो ठीक है, हम ना केवल फिर चैप्टर तो शुरू शायद ना कर पाए, ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है? क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है, जो ट्रायंगल्स का चैप्टर है ये अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमारे है क्या, राइट? अगर मैं ये बुक में देखता हूँ तो ये 38 पेजेस का चैप्टर है, ओके? तो मैथ्स के हिसाब से काफी लंबा चैप्टर है, एक बार इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है, जबकि इतना लंबा चैप्टर है, ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है? आप कॉन्ग्रुएंसी तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? यस सर। तो कॉन्ग्रुएंसी में आप एक्सपर्ट होंगे ऑलरेडी अभी, राइट? तो सिमिलैरिटी भी कॉन्ग्रुएंसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो क्या है वो चाहे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसी के जैसा है, इसके क्वेश्चंस भी उसी के जैसे होते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि ये सिमिलैरिटी होती क्या है, इस सिमिलैरिटी का पॉलीगन्स में क्या मतलब है, इस सिमिलैरिटी का और फिगर्स में क्या मतलब है, एक जनरल ज्ञान समझेंगे उसके बारे में, ठीक है? फिर हम आएंगे कि ये जो सिमिलैरिटी, ये ना आप थोड़ा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है एक्चुअली, सिमेट्री लिख दिया है वर्ड, ओके? वो मैंने गलत टाइप किया, सिमिलैरिटी है ये वर्ड, ओके? तो ये गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ये गलत लिख दिया, ओके? तो सिमिलैरिटी हम पॉलीगन्स में उसका क्या मतलब है, ट्राइंगल्स में क्या मतलब है, ठीक है? और ये सिमिलैरिटी को कैसे पता करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ये सब वर्ड्स मैंने गलत लिखे, ठीक है? अब ये करने के लिए हम इस चैप्टर में 9 थ्योरम्स पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से शायद ही किसी और चैप्टर में आपने 9 थ्योरम्स एक साथ पढ़ी, राइट? तो इसमें हम 9 थ्योरम्स एक साथ पढ़ेंगे, काफी लंबा चैप्टर है, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लेकर हम जो है पाइथागोरियन थ्योरम तक पढ़ेंगे, ओके? लेकिन पाइथागोरियन थ्योरम को हम सिमिलैरिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें से कोर्स में से एक थ्योरम जो है वो निकाल दी गई है, जो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके? लेकिन मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ठीक है? वो निकाल दिए, आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है उसकी मत करिए, लेकिन मैं आपको पढ़ा जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आगे चल के भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है? तो ये चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, मेरे ख्याल से हमारे पास 10 मिनट तो अब बचे हैं एक्चुअली, राइट? तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ओके? वो बहुत लाइट सा है, उसमें कुछ हैवी नहीं है। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? अगर दो फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स सिमिलर हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी शेप सेम है, लेकिन उनका साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, n है वैसे तो, लेकिन ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है? इसी को मैंने बड़ा लिख दिया, केवल एनलार्ज करके लिख दिया बड़ा, ठीक है? तो क्या इनकी शेप सेम है, मतलब मेरी ड्राइंग की वजह से बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लग रही है, लेकिन इनकी शेप सेम होनी चाहिए आइडियली अगर कंप्यूटर पे लिखें तो, राइट? यस सर। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी शेप सेम है, ठीक है? अब आप देखिए कि आपने ना अपने घर में कैमरा से अपनी फोटो खींची, सेल्फी ली है, ओके? You took your selfie. Okay? A smiley selfie. अब ये आपने ली, इतनी बड़ी आ गई आपकी। अब आपने ये एक बड़ी स्क्रीन पे डाल दी,
ठीक है, सेम सेल्फ इक्वल ओके। और एक आपने छोटे से आपके पास मोबाइल था उस पर भी डाल दो ओके। तो आर दीज ऑल सिमिलर और व्हाट, क्योंकि आप वो सेम ही पिक्चर है, आप बस उसको बड़ी छोटी कर रहे हैं राइट, तो वो सब सिमिलर है राइट। तो इसका मतलब उनकी जो शेप्स है, अभी मान लीजिए इसमें जो इंसान है उसके चेहरे की शेप है, ये है, यहाँ है और यहाँ है, वो एग्जैक्टली एक जैसी शेप होगी तभी तो हम उसे पहचान पाते हैं राइट। तो ये सिमिलर है ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास एक रबर की शीट है, ये रबर की बनी हुई शीट ठीक है, आपने इसको दोनों हाथों से पकड़ा ऐसे, यहां कुछ बांध दिया, यहां कुछ बांध दिया और इसको खींच दिया ताकि इसकी शेप ऐसी हो जाए ठीक है, आपने बड़ा कर दिया इसको। लेकिन क्या ये बड़ा होने के बाद पुराने वाली शेप में है या नहीं है? नहीं है ना, लंबा कर दिया लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ाई उसकी ठीक है ना। तो ये सिमिलर है पुरानी और नई शेप, क्या पुरानी और नई शेप सिमिलर है? तो देखिए पुरानी शेप ये थी और नई शेप ये है, तो क्या ये सिमिलर शेप? सर अगर पुरानी शेप स्क्वायर है तो नई अगर रेक्टेंगल है तो है? नहीं पहली भी रेक्टेंगल ही थी लेकिन तब सिमिलर है। हाँ देखिए मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर थी और जो इसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर है। अब जो नई शेप बनी उसकी चौड़ाई, क्योंकि वो तो हमने खींची नहीं, वो 4 सेंटीमीटर है और ये खींच कर रबर को हमने 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो क्या ये शेप और ये सिमिलर हैं? यस सर है। नहीं ये सिमिलर नहीं है। सर प्रोपोर्शन ऑफ देयर लेंथ आर नॉट इक्वल इसलिए। हाँ इसलिए क्योंकि ये तो अलग दिखाई दे रही है ना हमें ठीक है ना, मतलब दोनों उसी कैटेगरी में है, पहले भी रेक्टेंगल थी अभी भी रेक्टेंगल है लेकिन फिर भी ये मैथमेटिकली सिमिलर नहीं है ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने ये लिख दिया लेटर एन ठीक है, और अब मैंने दोबारा से लेटर एन लिख, ठीक है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? Yes, sir. देखो पहले क्या था, मैंने उसको एज इट इज बड़ा कर दिया था, मैंने खींच दिया है केवल, चौड़ा नहीं किया है उसको, ऐसे में तो सेम है और ऐसे में मैंने इनको बड़ा कर दिया, तो ये सिमिलर नहीं रहा, अलग शेप दिखाई दे रही है ना राइट चलिए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको, कि मान लीजिए मेरे पास ये रेक्टेंगल था, मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया राइट, टेडी फोर्स लगाई, ये ट्विस्ट हो गया तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन गया राइट right? तो ये इसकी शेप चेंज हो गई, तो ये भी सिमिलर सिमिलर नहीं है, नहीं है सिमिलर राइट right? अगर हम किसी चीज को एक ही डायरेक्शन में खींच देते हैं या फिर टेढ़ा कर देते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, अगर हम केवल उसे हर एक दृष्टि से एक समान बढ़ा दें, हर एक डायमेंशन में एक जैसा बढ़ा, मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, मैं इसकी ये साइड भी डबल कर दूं
ये साइड भी डबल कर दूं, ये साइड भी डबल कर दूं, तो वो सिमिलर रहता है, राइट? लेकिन ये हमेशा सच नहीं होती बात. अब मान के चलिए मेरे पास ये है स्क्वायर जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर. मैंने इसको बड़ा बना दिया लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, तो अब क्या हो गया, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर हो गई लेकिन रॉम्बस बन गया. तो क्या हम इसको सिमिलर शेप कहेंगे, 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर के रॉम्बस? नो सर. जबकि उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, हमने उसकी शेप बदल दी, उसकी एंगल्स बदल दिए. ये 90 डिग्री था, ये अब 90 डिग्री नहीं रहा, राइट? तो ये भी सिमिलर नहीं है. तो सिमिलैरिटी तब होती है जब शेप बिल्कुल एक जैसी होती है. यानी कि अब दो सर्कल है, वो दो सर्कल जो है, एक छोटा सा सर्कल है, किसी भी साइज का, मैं बता नहीं रहा हूं कितना बड़ा है, क्या वो सिमिलर होंगे? यस सर. हमेशा ही सिमिलर होंगे. सर्कल की शेप तो हमेशा ही सर्कल की शेप होती है. लेकिन अगर मान लीजिए दो इलिप्स हैं, इलिप्स, ओके, क्या ये जरूरी है कि बड़ा और छोटा इलिप्स सिमिलर हो? नो सर. जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास एक इलिप्स ऐसा था, अब मैंने दूसरा इलिप्स जो है थोड़ा सर्कल के ज्यादा जैसा बना दिया, राइट? तो इनकी शेप एक जैसी नहीं रही. उसी तरह से दो स्क्वायर हमेशा ही सिमिलर होते हैं, क्यों, ठीक है? लेकिन दो रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर हो जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं ना भी हो. जैसे ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल कहीं से भी सिमिलर है, ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली कहेंगे कि खासकर अभी हम बात कर रहे हैं पॉलीगन्स की, क्योंकि हम पॉलीगन्स पढ़ते हैं और सर्कल्स पढ़ते हैं और ज्यादा शेप्स तो अभी हम पढ़ते नहीं है, ठीक है? सर्कल्स में तो हमने बोल ही दिया कि हमेशा ही सिमिलर होते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है. अब पॉलीगन्स पे आते हैं, ठीक है? पॉलीगन्स क्या होता है, किसी को पॉलीगन की डेफिनेशन याद है? कोई जरूरी नहीं है, अगर याद हो तो बता सकता है कोई. पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व हुज ऑल द एजेस आर स्ट्रेट लाइंस या लाइन सेगमेंट्स, ओके? इट्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विद ऑल एजेस एज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ओके? उसको हम पॉलीगन कहते हैं. वो आपने पॉलीगन चैप्टर में पढ़ा होगा, एक, ठीक है? तो अब ये, तो टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ओके? अगर सेम रेशियो में कोई चीज होती है तो हम उसको ये भी बोलते हैं, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है? ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एक साथ. सो ये एंड कंडीशंस है, यानी अगर ये भी सच हो, ये भी सच हो, अगर एक भी इसमें से झूठ है तो वो सिमिलर नहीं है. और जब दो फिगर्स सिमिलर होती हैं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है उसमें, जो रेशियो होती है, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं. यानी कि अब मान लीजिए, मेरे पास दो स्क्वायर्स हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ही सिमिलर होंगे, ठीक है? ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है. इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर. तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया? बताइए. पहले तो ये देखिए कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर आप तभी यूज कर सकते हो जब सिमिलर हो फिगर्स. तो ये और ये दो स्क्वायर हमेशा ही सिमिलर होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, राइट? राइट? यस सर. यस सर. तो अब ये बताइए कि इसका अगर पहला स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर, यानी ओरिजिनल स्क्वायर ये था हमारा,
जो हमारा नया स्क्वायर है वो 2 सेंटीमीटर वाला है, तो स्केल फैक्टर क्या होगा?